हेलो एंड वेलकम बैक टू लियो एकेडमी। मैं सूरज कुमार सैनी आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कविता लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही अच्छी पोयम है, थंबनेल में आपने जरूर पढ़ा होगा। आज की जो पोयम है वो पूरी तरह से स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट पर है और स्टूडेंट की तरफ से है। एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और एक स्टूडेंट को इस एग्जाम के टाइम में क्या करना चाहिए ये वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो किसी को बता नहीं पाता है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने इस पोयम में कि मैं उस इच्छा को बताऊं कि एक स्टूडेंट आखिर चाहता क्या है और वो क्या कर सकता है। एनर्जी भी देगी आपको ये, और इस एनर्जी से आप अपने एग्जाम को काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको एनर्जी और आपको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। एग्जाम चल रहे हैं और आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि सब जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं सबकी उम्मीदें आपके ऊपर हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं अपनी ये कविता। कांधों पर सबका भार लिए, कांधों पर सबका भार लिए, हर नजर की उम्मीद हजार लिए। कांधों पर सबका भार लिए, हर नजर की उम्मीद हजार लिए, बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। सभी लोग बोलते हैं कि ये स्टूडेंट ही देश का भविष्य है, तो बचपन से सुनते आए हैं, हम ही तो देश बनाए हैं। एक स्टूडेंट क्या कह रहा है कि बचपन से सुनते आए हैं, हम ही तो देश बनाए हैं, माँ बाप से लेकर शिक्षक तक, माँ बाप से लेकर शिक्षक तक, इस मंदिर से उस मंदिर तक, माँ बाप से लेकर शिक्षक तक, इस मंदिर से उस मंदिर तक, हमने विश्वास बनाया है। माँ बाप से लेकर शिक्षक तक, इस मंदिर से उस मंदिर तक, हमने विश्वास बनाया है, जो कहा वो करके दिखाया है, जो कहा वो करके दिखाया है, हौसले बुलंद हैं आज भी हमारे। स्टूडेंट कह रहा है ये बात कि हौसले बुलंद हैं आज भी हमारे, आसमां का सीना चीर कर, हौसले बुलंद हैं आज भी हमारे, आसमान का सीना चीर कर लाएंगे हम फिर से हर सितारे, आसमान का सीना चीर कर लाएंगे फिर से हम सितारे। भरना है अपनी मुट्ठी में, भरना है अपनी मुट्ठी में योग्यता की ताकत। तो एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम टाइम में वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की बात कर रहा है कि भरना है अपनी मुट्ठी में योग्यता की ताकत, सबको दिखाएंगे हम, सबको दिखाएंगे हम अब अपनी ये शराफत। भरना है अपनी मुट्ठी में योग्यता की ताकत, सबको दिखाएंगे हम अब अपनी ये शराफत। लो निकल पड़े हैं फिर से, लो निकल पड़े हैं फिर से अपने को साबित करने, लो निकल पड़े हैं फिर से अपने को साबित करने, कागज कलम के बल पर, कागज कलम के बल पर फिर से इतिहास रचने। लो निकल पड़े हैं अब हम अपने को साबित करने, कागज कलम के बल पर फिर से इतिहास रचने। परीक्षा की इस घड़ी में पीछे ना हटेंगे, परीक्षा की इस घड़ी में अब पीछे ना हटेंगे, जो सोचा है जो चाहा है, जो सोचा है जो चाहा है, हासिल उसे करेंगे। परीक्षा की इस घड़ी में अब पीछे ना हटेंगे, जो सोचा है जो चाहा है, हासिल उसे करेंगे। शक्ति देना हे प्रभु, शक्ति देना हे प्रभु, चाहत सबकी पूरी कर पाऊं। सभी लोग चाहते हैं स्टूडेंट से कि वो उनके डिजायर्स को पूरी करें। एक टीचर की अपनी अलग डिजायर होती है, पेरेंट्स की अपनी एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की खुद की अपनी कुछ अलग आशाएं, कुछ अलग उम्मीदें होती हैं। और वो सारी उम्मीदें, ये उन सारी उम्मीदों का ये समय है एग्जामिनेशन टाइम, इसमें वो अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। और आप स्टूडेंट हैं तो आप कर रहे होंगे और ये मेरी बात आपको समझ में आ भी रही होगी कि शक्ति देना हे प्रभु, शक्ति देना हे प्रभु, चाहत सबकी पूरी कर पाऊं, शक्ति देना हे प्रभु, चाहत सबकी पूरी कर पाऊं, अपने कलम की ताकत से, अपने कलम की ताकत से अपना इतिहास बदल पाऊं। शक्ति देना है प्रभु, चाहत सबकी पूरी कर पाऊं, अपने कलम की ताकत से अपना इतिहास बदल पाऊं, अपने कलम की ताकत से अपना इतिहास बदल पाऊं। तो ये कविता है, ये पोयम है और आपको बहुत पसंद आई होगी।
क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हैं और एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो थोड़ा एनर्जी तो ये आपके अंदर भरेगी ही भरेगी। आप इसे एक दो बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैंने उस छोटे छोटे हिस्सों को दिखाने की कोशिश की है जो एक स्टूडेंट सोचता है करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो इस पोएम को सोचिए समझिए और हर उस अपने दोस्त अपने उस स्टूडेंट को शेयर करिए जो वाकई में कुछ कर देने के जुनून में है ना। तो और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ कोशिश, बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कहूंगा क्योंकि लक से कुछ हासिल नहीं होना है, कोशिश करेंगे तो जरूर आप एक न एक दिन कामयाब होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले किसी पोयम में, किसी एनर्जी भरी पोयम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।